नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी महिला की कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूं जो आपको झकझोर के रख देगी। ये जो कहानी है, इसकी जो वजह है कहानी बनने की, वो बड़ी अजीब है। आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और अपनी राय देना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं ये बताने जा रही हूँ कि आज भले ही हम सभ्य समाज में रह रहे हैं, या यूँ भी कहें कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और महिलाओं की आज़ादी को लेकर के कई बातें की जाती हैं और अक्सर मंचों पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, महिलाओं को लेकर के न जाने कितने दावे किए जाते हैं, उनकी शिक्षा, उनका मान सम्मान, और अब सरकार ने ये नारा भी दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो स्लोगन है अपने आप में बहुत बड़ा मतलब रखता है। बेटी को बचाओ यानी कि बेटी को आप पैदा कीजिए, डरिए नहीं, इसे पढ़ाइए, इसे अपने पैरों पे खड़े कीजिए। लेकिन होता इसके विपरीत है। आज भी हमारे देश के कई राज्यों में कुकड़ी जैसी प्रथा को लोग मानते हैं। मैं जो कुकड़ी प्रथा है उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी और आप सच में ये कहेंगे कि हम बस कहने भर के लिए 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हम किस समाज में जी रहे हैं जहाँ महिलाओं को अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया देने की जरूरत पड़ती है। क्या जो वर्जिन होना है वही महिलाओं की पवित्रता का प्रमाण है? और फिर इससे शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता कि एक महिला शादी होके कहीं जाती है, अपने ससुराल में जाती है, तो उसको पहले ही दिन अपने वर्जिन होने का, अपने पवित्र होने का प्रमाण देना पड़ता है। आज की जो कहानी है वो भीलवाड़ा के लड़की से जुड़ी हुई है। मैं आपको लड़की का नाम नहीं बताऊंगी। शादी के बाद एक लड़की, भीलवाड़ा की लड़की, अपनी वर्जिनिटी के टेस्ट में फेल हो जाती है तो ससुराल वाले उसे छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, गांव की खाप पंचायत ने उसके घर वालों पे 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। अब जुर्माना जब वो नहीं अदा कर पा रहे थे तब वो पुलिस में जाते हैं, तब वो पुलिस को बताते हैं कि उनको तंग किया जा रहा है, ससुराल पक्ष की ओर से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अब आप देखिए कि ये 21वीं सदी का मामला है, भीलवाड़ा जिले के बागौर थाना क्षेत्र का है। ये प्रथा है, या मतलब मुझे लगता है कि ये प्रथा नहीं है, ये एक साजिश है दहेज को इनडायरेक्ट वे में लेने की। मैं आपको पूरी घटना बताती हूँ। भीलवाड़ा शहर में रहने वाली एक 24 साल की युवती का विवाह ये 11 मई को होता है, बागौर में उसकी शादी होती है। शादी के बाद समाज में एक प्रचलित कुप्रथा कहूँगी मैं इसे, कुकड़ी, जिसके तहत महिला का, उस नई दुल्हन का टेस्ट होता है और वो उस टेस्ट में फेल हो जाती है। उसने अपने ससुराल वालों को बताया कि विवाह से पहले उसके मायके में पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। इसका मामला भी पुलिस में दर्ज कराया गया था, लेकिन इतना बताने के बावजूद भी उसके ससुराल वाले सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और देखिए, एक तो वर्जिनिटी, ऊपर से उसका शुद्धिकरण, बड़ी मतलब दुखद बात, इससे और क्या होगी। युवती के ससुराल पक्ष की ओर से माता के मंदिर में समाज की खाप बुलाई जाती है। पंचायत में लड़की के पियर पक्ष वालों ने 18 मई को भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाने में इस दुष्कर्म की रिपोर्ट की बात भी उन्हें बताई
और उस समय तो पंचायत में कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन 31 मई को दोबारा पंचायत बैठती है। फिर उनके मायके वालों पर ये प्रेशर दिया जाता है कि वो अनुष्ठान कराएं और शुद्धिकरण करवाएं और 10 लाख रुपए का जुर्माना दें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जुर्माना जुर्माना नहीं है, दरअसल में ये इनडायरेक्ट वे में एक दहेज की तरह ही इसको हासिल करना होता है ससुराल पक्ष को। खाप पंचायत के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ युवती के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने पूरा मामला सही पाया। अब भीलवाड़ा जिले की बागोर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट के बाद जांच में इस मंदिर में पंचायत बुलाई गई, वहां के पुजारी और पंच सभी के बयान लिए गए और फिर सामने आता है कि पीड़िता की शादी के बाद ये जो कुप्रथा है, मैं बार बार इसे कुप्रथा इसलिए कह रही हूँ कि ये मान्य नहीं है, लेकिन ये हाँ उनके एक समाज के लिए ये प्रथा हो सकती है, कुकड़ी प्रथा, वे पास नहीं हो पाई थी इस टेस्ट में। इसके चलते परिजनों पे 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया है और 5 महीनों से ये जो मैटर है मई का है, मई जून जुलाई अगस्त, अभी सितंबर आ गया है और इतने दिनों से उस लड़की को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, राजस्थान में आज भी कुछ समाज कुकड़ी प्रथा के कारण कई बेटियों की जिंदगी को खराब कर चुके हैं, कई लड़कियों ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है इस वजह से। कई जगह प्रताड़ना के कारण आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। इससे पहले इस युवती के ससुराल पक्ष में भी इस कुप्रथा से प्रताड़ित होकर के एक बेटी ने अपनी जान दे दी थी। इस प्रथा की मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये आखिर प्रथा क्या है, ये मतलब कहाँ से ये आती है। इस प्रथा की शुरुआत अंग्रेजों के दौर से हुई, यानी कि जब कुछ विदेशी भारत आए तो भारत के महिलाओं पे उनका अक्सर दिल आ जाता था और वो उनसे फिजिकल रिलेशन बनाते थे और फिर उन्हें कहीं फेंक दिया जाता था। तो ऐसे में यहाँ के राजपूत महिलाओं को हमेशा शक की दृष्टि से देखते थे और नहीं चाहते थे कि उनकी बनने वाली बहुओं का शारीरिक संबंध किसी और से पहले ही स्थापित हो। बात बहुत जायज है लेकिन बात बहुत पुरानी है। कोई भी पुरुष ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध हो शादी से पहले, लेकिन टाइम बदल रहा है। इस बात को मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा होता है और अब तो लड़कियाँ स्पोर्ट्स में हैं, इस वजह से कई बार उनको जब पहली बार किसी से वो फिजिकल होती हैं तो उनको उस समय ब्लीडिंग नहीं होती। ऐसे में उन्होंने ये जो प्रथा है इसमें अगर लड़की कोई खेल कूद में हिस्सा लेती है और फिर उसकी शादी हो जाती है और अगर वो कुकड़ी में पास नहीं होती तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया उनके माता पिता को दंड स्वरूप लाखों रुपए देने पड़ जाते हैं, जैसे कि इस घटना में मैंने आपको बताया। इसी घटिया प्रथा को बाद में सांसी समाज और दूसरे राज्यों के समाज ने कुकड़ी प्रथा का नाम दे दिया और यहीं से इस प्रथा को आज भी लोग उसी तरीके से मानते आ रहे हैं। इस तरह के समाज के लोग कुकड़ी प्रथा को धंधा यानी कि एक बिजनेस के रूप में देखते हैं। इस समाज के पुरुष खुश होते हैं कि उनकी पत्नी वर्जिन नहीं है, ताकि लड़की वाले के माता पिता से ज़्यादा पैसा वसूला जाए। वसूलना क्या है, इसे ऐठ ना बोलेंगे। वो खुद चाहते हैं कि उनकी जो आने वाली बहू है उनके घर में जो लड़की आने वाली है वो वर्जिन ना हो। अच्छा, अब आप एक बात और बताती हूँ मैं। इस प्रथा को रोकने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना है। मैं इसलिए इस प्रथा पे आपके सामने चिल्ला करके बोल रही हूँ कि अभी तक इस पे कोई कानून नहीं बना है। इसमें पीड़ित महिला के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है और कई बार तो चूंकि उन्हें पैसे मिलते हैं इसलिए पहले से ही उन्हें किसी से रिलेशन करने के लिए बोला जाता है और लड़कियों को मना भी लेते हैं। अगर पीड़ित महिला खुद जा कर के अपने आप पर हुए अत्याचार की बात पुलिस में बताए
तो ही कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती। अधिकतर महिलाएं कुकरी प्रथा को स्वीकार करती हैं और जीवन भर यातनाएं सहती रहती हैं, इस पर कोई कानून नहीं बना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कुकरी प्रथा है ये है क्या। दरअसल वर्जिनिटी को टेस्ट के लिए जिस दिन नवविवाहित जोड़ा जब पहली बार फिजिकल होता है तो उस समय घर के लोग जो हैं एक सफ़ेद चादर बिछाते हैं उनके लिए और उसके साथ में एक धागा लपेट करके एक बॉल जैसी चीज़ जो है उनके पास रख दी जाती है। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि लड़की कोई पिन जैसी चीज़ ना लेके जाए, कोई कोई रेड कलर में नेल पॉलिश टाइप कोई चीज़ उसके पास ना हो, ताकि वो उसको उस बेडशीट पे, उस चादर, सफ़ेद चादर पे लगा करके अपनी वर्जिनिटी को शो करने की कहीं गलती ना कर दे। इतना ज़्यादा इसका ख्याल रखा जाता है। और सफ़ेद चादर का मतलब ये होता है कि जब पति पत्नी दोनों आपस में रिलेशन करेंगे, अगर वो लड़की वर्जिन है तो ऑब्वियसली उस पर कुछ ब्लड का एक स्पॉट आएगा जिससे बाहर बैठे लोग देखते हैं कि ये लड़की वर्जिन है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया है, लड़की के माता पिता हर्जाना देते हैं, तब उस लड़की को उस घर में रहने का हक मिलता है। दोस्तों ये वाकई में बहुत बहुत ही बुरी प्रथा है और इस ज़माने में भी, अब आज जैसे मैंने आपसे शेयर किया है ये भीलवाड़ा की घटना है, भीलवाड़ा के ज़िले बागौर की घटना है, अगर आज भी ये प्रथा चल रही है तो मेरे ख्याल में वहाँ की सरकार को ज़रूर देखना चाहिए कि इस प्रथा को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इसके खिलाफ कानून बनाया जाए। अब जब किसी समाज के खिलाफ अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उस पर फिर समाज नाराज़ हो जाता है, लेकिन अगर आपको महिलाओं की इज्जत करनी है, महिलाओं का सम्मान बरकरार रखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल इतना ही। आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।